हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कॉल क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन 1 अप्रैल 2016 शिवम एंटरप्राइज परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर 52,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन कार्टेज। ठीक है, तो 52,000 उसमें ये कार्टेज भी जुड़ जाएगा, 2,000, 3,000 ऑन अनलोडिंग, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये भी जुड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी पैसे खर्च होंगे वो सारे के सारे कैपिटलाइज होंगे, मतलब मशीनरी या एसेट की कीमत में जोड़े जाएंगे। तो 3,000 ये अनलोडिंग भी जोड़ा जाएगा, 2,000 इंस्टॉलेशन भी जोड़ा जाएगा, और 1,000 रुपये मिडिल मैन को दिए हैं हमने ब्रोकरेज, ये भी जोड़ा जाएगा। ये मशीनरी का टोटल कॉस्ट हो जाएगा, मतलब 52, 54, 57, 59 एंड 60, 60,000 रुपए बराबर है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, विच इज 10 ईयर्स, ये भी ठीक है। ठीक है ना, ऑन 31 दिसंबर 2016 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अमाउंटेड टू 2,500 वर पेड। अभी मेरे को आप ये बताओ कि भैया ये रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स भी क्या जोड़े जाएंगे? तो आंसर इज नो। आप वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी पैसे खर्च कर दो, रिपेयर्स कर दो, रिन्यूअल्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले। एक बार वर्किंग कंडीशन में आ गई, उसके बाद के खर्चे भैया नहीं जोड़े जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे कहता है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 दिस मशीन वॉज सोल्ड फॉर 30,600 एंड अमाउंट ऑफ 600 वॉज पेड एज कमीशन टू एन एजेंट। तो 1 अक्टूबर 2018 को फाइनली ये मशीन बेच दी गई 30,600 में, और मिडिल मैन को दे दिए 600 रुपये, मतलब आपकी जेब में 30,000 रुपये आने वाले, 30,600 नहीं आएंगे बल्कि 30,000 आएंगे। सर नहीं समझ में आया बेटा, 30,600 में मशीन बेची आपने, बराबर है, 600 कौन ले गया? मिडिल मैन। तो आपके जेब में कितने आए? 30,000। तो मशीनरी एक्चुअल जो उसका प्राइस है जो आपको मिलेगा वो है 30,000। ठीक है, 30,600 नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसा होता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स अज्यूमिंग द फर्म फॉलोज फाइनेंशियल ईयर फॉर अकाउंटिंग। तो बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पूछा, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आमतौर पे क्वेश्चन में दिया रहता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो बेटा अपन ने सीखा है क्या कि कैसे फाइंड करते हैं? हाँ हाँ सर, कुछ तो हमने सीखा था। बेटा देखो, मैंने आपको बताया था, देखो पहले तो कॉस्ट देख लो, मशीन की कॉस्ट है कितना अपन ने कैलकुलेट किया अभी, 52, 54, 57, 57 एंड 360, 60,000, ये आ गया कॉस्ट 60,000। ठीक है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव स्क्रैप वैल्यू ऑफ 6,000। स्क्रैप, स्क्रैप है 6,000। ठीक है, एंड लाइफ है ना, लाइफ है 10 ईयर्स। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डेप्रिसिएशन इन 10 ईयर्स कितना होगा? 60,000 से घट के मशीन हो जाएगी 6,000, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 54,000। डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, 1 साल का कितना होगा? 54,000 होगा, 10 साल में तो 1 साल में होगा 54,000। सिंपल, पहले भी देख चुके हैं मैं, शुरू में ही देखा था इस चैप्टर के, है ना? तो इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ये जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हैं इनको हम कहीं भी हमारे मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे बेटा? अभी अभी तो बताया कि ये आपका मशीनरी का हिस्सा नहीं है, ये तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इसकी एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मशीनरी में कहीं पोस्टिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। मशीनरी अकाउंट में तो वही आएगा ना जो जहां पे मशीन लिखा हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा हो तभी तो आएगा, नहीं तो कहां से आएगा? ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको? हाँ अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा, तो रेट भी फाइंड कर सकते हो, 5400 × 100 डिवाइडेड बाय 60,000 विच इज द कॉस्ट ऑफ मशीन। परसेंट निकालते हो तो बेटा आता है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना,
500 में से 200 मार्क्स मिले आपको, तो परसेंट निकालते हैं ना स्कूल में, 200 इंटू 100 बाय 500, तो भैया ये 5460,000 का कितना परसेंट है यही फाइंड करना है ना, तो इंटू 100 अपॉन 60,000 दैट इज हाउ मच, 9%। कोई दिक्कत नहीं। चल तो अभी क्या करते हैं, फटाफट हम आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट पे। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 क्या लिखना है बोलो, टू कैश कितना 60,000 है ना, सारे एक्सपेंसेस जोड़ दिए 60,000, ठीक है। हाँ अब ये मशीन हमने कब बेची है, ये बेची है बेटा 1 अक्टूबर 2018 को, तो तब तक और कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आप तो डेप्रिसिएशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक आपका 2018 नहीं आ जाता है ना। तो चलो यहाँ पे 31 मार्च 2017 क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन कितना 5400, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा 54,600, 54,600 ठीक है, ये 60,000 लिखा और ये ईयर एंड हो गया, ठीक है। अब ये नए साल में आ गए 1 अप्रैल 2017, क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 54,600। अब आ जाएगा आपका 31 मार्च 2018, इसके बीच में भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो कब हो रहा है, अक्टूबर 2018 में हो रहा है ना, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन सेम 5400 ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 54,600 माइनस 5400 ये हो जाता है 49,200 ठीक है, 54,600। अब आ जाइए 1 अप्रैल 2018, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है कितना 49,200 ठीक है, अभी क्या करना है बोलो। हाँ अब वक्त आ गया आपका बेचने का, देखो 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर 2018 क्या करना है, सबसे पहले बेचने से पहले डेप्रिसिएशन ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने हो गए, 6 महीने, तो बेटा 6 महीने का डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 5400 तो आधे साल का 2700 ठीक है। अभी क्या करना है, बाय कैश, तो कैश आया आपके पास कितना 30,000, ध्यान रखना क्यों 30, बेटा 600 आपने दे दिया किसको, मिडिल मैन को, तो बाकी बचा कितना 30,000 आपके पास, इन सब का बाकी कोई लेना देना नहीं है, ये जो 31 दिसंबर 2016 को जो मैंने अभी बताया आपको, तो मशीनरी में आपके पास आया 30,000 ठीक है। और हम सीधे आ जाते हैं अब लॉस पे, कितना लॉस हुआ देखो, 49,200 की मशीन थी 1 अप्रैल 2018 को, 1 अक्टूबर आते आते और डेप्रिसिएशन हो गया, कितना हो गया 2700, तो माइनस 2700 ये हो जाएगा बेटा 46,500, 46,500 की मशीन आप कितने में बेच रहे हैं, 30,000 में ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आंसर, ये आ गया 16,500 का लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ये लॉस हो गया कितने का 16,500 ठीक है ना, कितने में बेच रहे हैं 30,000 में, ये लो 30,000 में बेचा, 16,500 का लॉस हो गया ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है भाई, अब और कोई मशीन खरीदी क्या, नहीं कुछ नहीं खरीदा, खत्म, मशीन है ही नहीं, अब यहाँ 31 मार्च को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो मशीन थी वो आप बेच चुके हो, 49,200 ये 49,200 सिंपल है। समझ में आया, कोई दिक्कत, 3 साल का बोला था है ना, ये 3 साल का किया मगर तीसरा साल कंप्लीट होने से पहले, 31 मार्च आने से पहले ही क्या हो गया कि ये मशीनरी हमने सेल आउट कर दी ठीक है, तो बस प्रैक्टिस कीजिए और अगला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखेंगे। चलो बाय बाय।